Assalamu alaikum, this is Samar Akhtar और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में टिकटॉक के लिए यूज होने वाली वीडियोस, वीडियो एडिटिंग एप्स के हवाले से। तो इसमें स्लोमो ऐप और बाकी जो इफेक्ट वगैरह के मतलब होती हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी ऐप अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं स्लो मोशन ऐप्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त और पॉपुलर हो रही हैं अपना टिकटॉक वीडियोस में और बहुत यूज़ हो रही हैं। देखा जाए तो टिकटॉक खुद भी आपको ये ऑप्शन देता है अपना स्लो मोशन वीडियोस को स्लो मोशन वीडियोस के वाले से, लेकिन उसमें उस उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि आप किसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अपना कंप्यूटर पे तो ये पॉसिबल है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त। मैं तो मशवरा कंप्यूटर पे दूंगा आपको करने का, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप अच्छी अच्छी ऐप्स के थ्रू भी इसको कर सकते हो। बहुत बहुत ईजी और टाइम सेविंग ये ऐप्स हैं, जिसमें सबसे पहले ऐप आती है काइन मास्टर। काइन मास्टर तो है ऑलमोस्ट सब भी जानते हैं मेरे घर में जो जिनका तलक अपना टिकटॉक से है। तो काइन मास्टर में आप ये अपनी वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये बहुत बड़ा एक मतलब कह लें कि ऐप स्टेशन है वीडियो एडिटिंग के हवाले से, तो उसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऐप है जो मेरे हाल में सिर्फ और सिर्फ अपना स्लो मोशन या फास्ट या फिर रिवर्स स्लो प्लस फास्ट टाइम प्लेस के हवाले से यूज़ और ये ऐप है वो एफेक्ट्रम है उसका नेम। तो एफेक्ट्रम है नेम। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी ऐप है। इसमें हर एक अपना बात है कि कुछ इसके फीचर जो हैं वो आपको हर बाई करने पड़ेंगे, लेकिन वैसे अगर डेमो भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। तो इसका लोगो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो उसके बाद जनाब बारी आती है स्लो मोशन ऐप के हवाले से, जो कि इस वक्त प्ले स्टोर में है, वो है अपना स्लो मोशन वीडियो इफेक्ट जिसका नेम है। ये भी काफ़ी यूज़ हो रही है, बल्कि ऑलमोस्ट ओवर 10 मिलियन इसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और प्रोफेशनल कह लेंगे स्लोमो के हवाले से ऐप है। तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त वो फीचर है स्लो या फास्ट करने का। तो ये भी अगर आप अपना यूज़ करके तो अपनी वीडियोस को इजीली अपना स्लो मोशन अफेक्ट दे सकते हैं। तो उसके अलावा जो स्लो मोशन के हवाले से तीसरी जो बड़ी ऐप इस वक्त यूज़ हो रही है वो अपना कह सकते हैं कि स्लो प्लस फास्ट मोशन वीडियो के हवाले से। तो ये भी आपको मिल जाएगी ऐप स्टोर में, स्लो एंड फास्ट मोशन इसका नेम है, बताता चलूँ। ये भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा इसका। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता जाऊँ जो जो ऐप का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये तीन जो ऐप हैं काफ़ी ज़बरदस्त है स्लो मोशन के हवाले से। वैसे अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो और भी अपना ऐप ये पॉसिबिलिटी देती हैं, लेकिन ये वो ऐप हैं जो कि बहुत इजी आप सिर्फ स्लो मोशन के लिए या फास्ट या रिवर्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके अलावा इन शॉर्ट मेरे ख्याल में इन शॉर्ट में भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने इन शॉर्ट को बहुत कम यूज़ किया है। ज़्यादातर मैं जो यूज़ करता हूँ ऐप अपना टिकटॉक वीडियोस के लिए वो काइन मास्टर ही है। काइन मास्टर कह लें या फिर दूसरी ऐप जो अगर स्लो मोशन वगैरह अप्लाई। तो इसके अलावा जिन भाइयों के पास मेरे हाल में अब तो आईफोन में भी ये उनने अपना ओथ का ऑप्शन दिया हुआ है,
या सैमसंग जिसके पास अब लेटेस्ट सैमसंग है उसमें भी आपको किसी भी ऐप की है ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद अपने मोबाइल्स में स्मार्टफोन्स में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है स्लो मोशन का। जी हाँ, आप अपने स्मार्टफोन के साथ ही स्लो मोशन में वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के ऑप्शन पे जाना है, वीडियो के ऑप्शन पे जाके तो जाना है सेटिंग में, लास्ट ऑप्शन पे। मैं आपको इस वाले से भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं बताता चलूँगा। तो उसमें आपने जाना है जनाब सुपर स्लो मो के ऑप्शन पे, या साइड टाइम लूप के, टाइम लैप्स के ऑप्शन पे। तो इसमें अगर आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्लो मो में ही शूट होगी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आपको किसी भी फिर ऐप की है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है स्लो मोशन के हवाले से। तो उसके बाद आते हैं जनाब अपना अपना काम वीडियो एडिटिंग के हवाले से, जो बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बताता चलता हूँ कि काइन मास्टर सबसे पहले, जैसे मैं स्लो मोशन के बारे में बताया है, और ये अपना काइन मास्टर है जो ये सबसे पहले जो है कि इसके साथ भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपना कह लें कि एक ऐप है। तो उसके बाद सेकेंड वन जो है वो इनशॉट इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इनशॉट भी बहुत इजी है मेरे ख्याल में, अगर आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो आपको मेरे ख्याल में चंद ही मिनट में आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है वीवा कट की एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है जो कि मैं बहुत 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 टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये भी ऐप बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कह लेंगे काइन मास्टर के तकरीबन बराबर। तो इसमें भी उनने क्रोमा की का ऑप्शन है, अपना ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ऐप है, मैं खुद पर्सनली इसको बहुत यूज़ करता हूँ। काइन मास्टर के बाद सेकंड जो ऐप है वो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है भाई टिकटॉक में, मैंने खुद देखा काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंड है कि जिसमें आप कलर वगैरह जो है रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, कभी ब्लैक येलो वगैरह। तो उसके लिए जो मैं जो ज़्यादातर ऐप यूज़ हो रही है उसका नाम है जनाब 3D लट्स मोबाइल। वो है आपको, उसके लिए आपको है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो उसके जो फीचर हैं वो भी है सारे फ्री तो नहीं है, तो वो भी ज़बरदस्त ऐप है वैसे कलर वगैरह रिप्लेस करने के वाले से। उसके बाद जो सेकंड है वो है अलाइट मोशन। अलाइट मोशन भी बहुत ज़बरदस्त ऐप है, तो उसमें भी आप बहुत ज़बरदस्त इजीली कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं, चाहे वो टी शर्ट का कलर हो, बैकग्राउंड का कलर हो, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा। खैर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऐप, उसको आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर बात की जाए कलर रिप्लेसमेंट के हवाले से तो ये ऑप्शन आपको काइन मास्टर भी देता है। आप ये काइन मास्टर में भी हेयर चेंज कर सकते हैं। आप अगर आपके पास काइन मास्टर अवेलेबल है तो इसके हवाले से अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल चाहिए कैसे वो कलर रिप्लेस कर सकते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा अपने आने वाली किसी वीडियो में। तो वैसे है अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल वगैरह पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप वहाँ या वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके या इंस्टा पे मैसेज। तो अलाइट मोशन के नाम से मैं इनका इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देता जाऊँ, और उसके बाद इनका जो अपना ऐप का आइकन है वो स्क्रीन पर शो करता जाऊँ। तो इसके बाद जो सेकंड है बात की जाए वीडियो से एडिटिंग के हवाले से, तो आजकल एक और चीज़ है जो कि जैसे आप क्या कह लें कि लाइटिंग वगैरह होती है नज़र आएगी आपको अपने अपना, उसके हवाले से मैं वीडियो देता चलो। तो इसके लिए जो ऐप यूज़ होती है वो है स्क्रिबल। स्क्रिबल जो है वो यूज़ हो रही है इस वक्त बहुत। तो ये ऐप बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी आप अपनी तस्वीर अपने मेरा मतलब है वीडियोस में अच्छे अच्छे इफेक्ट डाल सकते हैं और टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं और उसको वायरल कर सकते हैं।
तो ये कुछ ज़बरदस्त ऐप्स थी जो कि आप अपने स्मार्टफोन पर यूज़ करके और अपनी वीडियोस को अच्छा और ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो ये ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो अपना यूज़ हो रही होती हैं टिकटॉक में। तो बाकी जो है अपना, उसके अलावा आप अपना, अगर आप यूट्यूबर हैं तो उस हवाले से भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा मतलब है। तो ये थी हर वीडियो आज की अपना ऐप्स के हवाले से, जो कि मैं डिटेल में आपको बताना चाहता था। तो अगर आपको किसी भी, तो इनका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वन बाय वन इस इन ऐप का जो है ट्यूटोरियल बनाता जाऊँ, इनको यूज़ करने का तरीका अगर आपको नहीं समझ आया तो उसके बाद से बताता जाऊँ आने वाली वीडियोस में। काइन मास्टर के हवाले से इंशाल्लाह को ज़्यादा मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हाल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत बड़ी ऐप है एडिटिंग के हवाले से, तो काफ़ी भाइयों को है इसका नहीं पता होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपनी तरफ से सिखा पाऊँ जितना है मेरी नॉलेज में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यही थी ऐप के हवाले से। तो और अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।